ये आ रही थी हल्द्वानी से। अच्छा तो आदमी चोट लग तो लगेगी यार इसमें तो है। ये देखो गाइस आगे का हिस्सा है इसका। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस छुट्टी वुट्टियाँ सब ख़त्म हो गई हैं और आज जाना है मुझे कॉलेज। कॉलेज का तो पता भी नहीं, बट इसमें नेट नहीं है तो मैसेज आया नहीं हुआ क्या पता। मतलब कॉलेज तो जाना है आज, पक्का जाना है शायद मेरे ख्याल से, तो क्योंकि कल सर छुट्टी में थे तो कल छुट्टी थी तो आज तो जाना ही पड़ेगा। तो 1 बजे से है कॉलेज, तो तब तक का फिर घर में ही रहेंगे। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। देखो गाइस सुबह सुबह यहाँ पे ट्रक आ गया है, पता नहीं क्यों अटक गया शायद, और इतनी छोटी सी रोड है उसमें भी ट्रक लेकर आ रहे हैं, बताओ अटक गया है पूरा। देखते हैं पता नहीं क्या करते हैं, आगे पीछे करने में, लेकिन मुड़ नहीं रहा है, मुड़ेगा भी कैसे, इतनी छोटी सी जगह है वहाँ पे, थोड़ी सी गली है वहाँ पे। लो बंद हो गया। अब देखो गाइस इन दोनों का प्यार, बाल बना रहे एक दूसरे के, वाओ क्या सीन है। कौन सी चुटिया है पर ये सागर चुटिया, झूठ मत बोलो, कद्दू है वो। कब तक बनेगी ये, कितना घंटा लग गया तुम्हें बाल बनाने में? आधा घंटा। बाप रे, लेकिन इसको क्या होगा, इन्हें तो वो बना रही है मच्छी चुटिया। कौन है ये? तूने कौन? ये पीछे मच्छी, मछली होता मच्छी नहीं होता, जो भी है। देखो भाई खदुआ कितना खा रही है, कितने सारे समोसे खा रही है। गाइस ना अपना अपना खा के सीधे फोन खोल दे, वीडियो बनाएंगे ताकि मेरा दिख जाए। तीन तीन खा रही है, मैंने तो एक ही खाया। मैंने भी एक खाया मम्मी ने। तीन खा रही है, चार खा दिए इनने अभी अभी, और तीन और हैं, मैंने तो एक ही खाया अभी तक। क्या ही बोलूं मैं, तो खाती क्यों है इतना, देख लो खुद ही खाते हुए देख लो ना तुम। गाइस अपना खाते ही फोन खोला इसने, ऐसी हूँ मैं अपना दिखाता जो 8-9 खा गया कि बार में तब बड़ा का मुंह है। अभी ऐसे खा रही नहीं तो अभी चाट उंगली चाट के खाती है। तो गाइस रेडी हो गया हूँ मैं खाना आना खा के, और अब जा रहा हूँ। और धूप इतनी लग रही है ना क्या बताऊँ, मुँह पे पड़ रही थी धूप। एक तो 1 बजे की धूप है ना, और अभी तो मौसम इतना मस्त हो गया था गाइस, मतलब पूरी धूप हट गई थी, पता नहीं एक बार में ही हट गई थी, अभी पता नहीं क्या हुआ फिर से धूप आ गई, अब तो और तगड़ी आ गई। यहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा है इतने दिनों बाद, छुट्टी जैसी छुट्टी पड़ जाती है फिर उसके साथ उसके बाद जाने का मन नहीं करता है, और जब ITI जाते हैं फिर छुट्टी पड़ जाती है फिर घर में रहने का मन नहीं करता है, पता नहीं ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो चलते हैं ITI, इतनी धूप में क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, तो चलते हैं। तो गाइस मेरा हो गया था पोपट, क्योंकि आज कॉलेज की छुट्टी थी और मैं रेडी रेडी हो गया था। मैंने मैसेज पढ़ा नहीं क्योंकि नेट था नहीं मेरे उसमें, तो अभी मैंने हॉटस्पॉट लेके देखा तो उसमें तो लिखा था मंडे को क्लास लगेगी, और मैं रेडी रेडी होके बैठा था, सोचा था कॉलेज वाले जाऊंगा आज, तो रेडी भी हो गया था मैं और चौराहे पे निकली गया था, तो अच्छा मैंने रास्ते में हॉटस्पॉट ले लिया किसी से, और पता चल गया मेरे को कि आज छुट्टी है। डिनर वो लंच वंच करके निकल ही गया था मैं, वो तो रास्ते में दोस्त मिल गया उससे हॉटस्पॉट लिया मैंने, मैं उसे ऐसे ही देख लेता हूँ, देखा तो उसमें छुट्टी। तो अब जाना है हमको सोमवार को, तो आज तो मैं घर पे ही रहूँगा। 1 बज गए हैं गाइस, इतनी धूप में मैं वहाँ चले गया था रोड में, फिर वापस आया वहाँ से, तो ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरे को आजकल दिन में बहुत नींद लग रही है, लगती तो नहीं थी पर आजकल लग रही है, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली मुँह धो लिया मैंने, उठ गया हूँ मैं सो के, फ़ोन भी चला रहा था सोया भी था, ठीक ही हुआ सो के, तो उठने का मन नहीं कर रहा था फिर भी उठना पड़ा। और मम्मी देखो पीछे झाड़ू लगा रही है, और मैं जा रहा हूँ चक्की गेहूँ पिसाने के लिए, मम्मी ने दिमाग चाट दिया चक्की जा करके, तो जाते हैं अभी और दोस्त को फ़ोन करते हैं, क्योंकि पीछे कट्टा पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए है, तो उसको बुलाना पड़ेगा, लेकिन फ़ोन में चार्ज नहीं, बुलाऊँ कैसे, किसी और से फ़ोन करता हूँ। गाइस हम जा रहे हैं बाजार, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं चक्की मतलब नहीं।
ये बाइक निकाल ला है, जल्दी आ। मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ गाइस, इसका देखो एक टक काला है कि दिख भी नहीं रहा है। इसकी शक्ल दिख गई तो खुश हो जाना, देखो दिख गई गाइस, चमक ही गई आखिरकार। देख तो काला बोल दिया। ये उठाया क्यों नहीं रहा, मां बेटी पकड़ के रखो है मेरे उसमें। अभी जल्दी का खाती तो नहीं है खाना। काम करती है नहीं सुबह से, घुटनों में दर्द हो रहा है, खेल लूंगी। ओए जब मैं तो टाइ देती। अब उठो तू गाड़ी चली गई, हम बैठ गए डांट पड़ गई है इसको। सही हुआ, बहुत नखरे कर रही है, बैठने में पता नहीं क्यों हंसने में लगी है। हंस क्यों रही है बे? पता नहीं क्यों। अरे ये कट्टे की वजह से इसकी जुगनी हो रही है ना, बहुत मोटी है तब हंस रही है। ऐसा नहीं है यार, इसके लिए गाइस कैसे बैठा है वो, पूरे उस पे बैठा है ये। मैं तो सही बैठा हूं, ये इसके लिए जुगनी हो रही है, मैं तो सही हूं, देख लो। मैं भी ठीक से बैठी हूं, पीछे से उसमें बैठी है सरिया पे। इसको लकड़ी घुसोड़ दूंगी आज मैं। मैं बहुत हंस रही है, एक गाली और दे। बस चलो चलते हैं गाइस, चक्की में मिलते हैं आपसे। अब बस गाइस हम पहुंच चुके हैं चक्की। हां ये सुनती साम्राज्य बाहुबली गाइस लेके तो आप देंगी गाइस। ये है ये मंकल बैठे हैं। गाइस देखो बाहुबली, अब तक रुकना पड़ेगा गाइस थोड़ी देर के लिए। चक्की तो पहुंच गए थे गाइस, आटा आटा रख दिया है, अभी पीस रहा है, तो रुकना पड़ेगा एक घंटा तक। ये भी रुकेगी मेरे साथ, तब तक मैं भाग जाऊंगी। तब तक रुकना ही पड़ेगा गाइस, मोबाइल चलाऊंगा मैं तो, मोबाइल में नेट है नहीं, क्या करूँ, यहीं पर बोर होना पड़ेगा, फिर रोड देखनी पड़ेगी। ये देखो गाइस हम रास्ते से काला डूंगे जा रहे थे और यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। यहाँ से गई है, ऐसी गई है, यहीं से फट 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 नीचे ही पापा कर। देखो गाइस कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, यहाँ से गई है। देखो गाइस कितनी भीड़ हो गई थी अभी यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे तो सब लोग चले गए लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है, जो जो आ रहा है और देख के ही जा रहे हैं यहाँ पे। देखो इतना खतरनाक है, ये आ रही थी हल्द्वानी से। अच्छा तो आदमी चोट लग लगेगी यार इसमें है। ये देखो गाइस आगे का हिस्सा है इसका, तो गाइस देख ही लिया होगा आपने, इतनी तगड़ी पूरी खाई में गिर रखी है, उड़ती हुई गई गाइस, हमने तो देखा नहीं, थोड़ा सा मिस हो गए, लेकिन बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं है, ये ठीक हुआ है। हॉस्पिटल गए हूँ लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं, एक लड़की थी और एक अंकल थे। तो चलते हैं अब काला डूंगी, हम तो काला डूंगी जा रहे थे चक्की अक्की छोड़ के, तो चलते हैं। देखो मेरे भाई ने मुझे पहली बार जिंदगी में पहली बार कुछ खिलाया है, अब मैं यहाँ का क्या खाते हैं, अब घर को चलते हैं। इसको देख के हैरान हूँ गाइस, ने कुछ खिला रहा है पहली बार, पता नहीं कैसे क्या हो गया इसको, अब पैसे वाला हो गया गाइस। फाइनली गाइस घर पहुँच गया हूँ मैं, आटा पिसा पिसू के, और एक्सीडेंट देखा होगा आपने कितना तगड़ा हो रखा है गाइस, तभी कहते हैं सब रोड में सेफली चलना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए, तो ऐसे ही करना गाइस, रोड में सही तरीके से चलो,
नियमों का पालन करो। ज़रूरी नहीं है कि हेलमेट लगा के ही नियम का पालन होता है, लेकिन अपनी साइड देख के चलो, मतलब पी खा के मत चलो, तो ठीक से चलो। हाँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। बाय बाय।